सिंह जी जो रजौरी जिला के प्रभारी भी हैं, उनके साथ में मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी थाना मंडी मंडल के जाहिद खान साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के इस जिला के वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक खान साहब जो थाना मंडी मंडल के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई उसके बाद हमने देखा जो भी उनको एक गति मिली उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो रहा है भारत को उसकी जब अध्यक्षता मिली तो ये ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए है, ये गर्व के पल भारत के लिए है। ये तभी संभव हो पाया है कि केंद्र की सरकार जो पिछले 9 साल से कार्यरत है उनकी जो नीतियां थी, साथियों नीतियां किसी भी देश की जो नीतियां निर्धारित करती हैं किसी भी देश का भविष्य, वो नीतियां दिया। और जम्मू और कश्मीर के अंदर G20 का समिट होना ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि युवाओं को बताना कि किस प्रकार से जो भी यूथ के जो भी इश्यूज हैं उनको किस प्रकार से रिड्रेस किया जाएगा, और यूथ के साथ जो भी गवर्नमेंट जो इन G20 देशों की सरकारें हैं उन देशों अपने देश की भलाई की कामना करता है। जैसे कोविड के अंदर हमने देखा युवराज जो आए हैं वो ये एक चीज नहीं कहते हमारा वाइट बन गया, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसकी चेयरमैनशिप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि G20 का जो कार्यक्रम है वो लोक भागीदारी के साथ हो रहा है, लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। उस विषय पे उसका एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है वो Y20 है, जिसके माध्यम से हम यूथ को अपने इस कार्यक्रम के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम यूथ के बीच में आ रहे हैं, यूथ को G20 के बारे में बता रहे हैं, Y20 के बारे में बता रहे हैं, और उनसे राय ले रहे हैं, उनकी समस्याएँ जान रहे हैं जो हमने यहाँ से लेके वापस फिर से अपने प्रदेश में बतानी है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी। ये थाना मंडी आने का भी यही मेन हमारा मकसद था और थाना मंडी के युवाओं के साथ चर्चा करने का भी यही मेन मकसद। इस प्रकार से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, ये एक बड़े ऐतिहासिक पल है भारत के लिए, जिसमें विश्व के पूरे 20 मुल्क यहाँ पे जम्मू व कश्मीर के अंदर G20 के समिट में शामिल होंगे, जहाँ पे दुनिया के बड़े फैसले लिए जाने हैं। भारत को इसकी अध्यक्षता मिलना कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व के पल हैं। जम्मू व कश्मीर के अंदर इसको चुना गया, जम्मू व कश्मीर के को यहाँ पे G20 समिट के लिए चुना गया, ये जम्मू कश्मीर के सभी वासियों के लिए भी गर्व के क्षण है। आज थाना मंडी के अंदर जो Y20 का समिट जो इसके अंदर यहाँ पे किया गया, इसका मेन मोटिव यही है कि युवाओं की भागीदारी को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। भारत एक युवा देश है, लगभग 70% यहाँ पे युवा बसते हैं, उनकी भागीदारी को किस प्रकार से गवर्नेंस के अंदर, किस प्रकार के पॉलिटिक्स के अंदर, किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर उसको सुनिश्चित किया जाए, उसी के ऊपर आज यहाँ पे एक इवेंट हुआ। धन्यवाद। थाना मंडी के अंदर युवा मोर्चा के जो वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी के हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जैसा कि आप समझते हैं कि आने वाले महीने के अंदर G20 की एक समिट J&K जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर खास श्रीनगर में हो रही है, एक ऐतिहासिक फैसला है ये। 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर जो जिसको आज तक हालात की वजह से ऐसे नहीं हो पाया, आज पहली बार G20 की मीटिंग जो है वहाँ पे हो रही है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज और 20 मुल्कों के वज़रा उनके मिनिस्टर वहाँ पे आएंगे और जो दुनिया का फैसला करेंगे, और उसी के सिलसिला में आज थाना मंडी के अंदर Y20 की एक मीटिंग हुई है यूथ को एम्पावर करने के लिए, ताकि इनको बताया जाए कि G20 जो पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रही है उसके मकासद क्या है।